कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि कल्पना सोरेन को ही जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया है। 20,000 से ज्यादा वोट से कल्पना सोरेन को जीत मिली है। लगातार वो कभी एक समय था जब वो पीछे चल रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कल्पना सोरेन की जीत सुरक्षित है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, सबकी नजरें वहां पर टिकी रहेंगी, लेकिन कल्पना सोरेन बड़ा नाम, लगातार वो चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही थी और खास तौर पर जनता का वो धन्यवाद भी करना चाहेंगी। और जेएमएम के लिए भी खुशी की खबर है कि कल्पना सोरेन चुनाव जीती है गांडे विधानसभा उपचुनाव का, तो साफ तौर पर बड़ी खबर, कल्पना ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को हराया है। 20,000 से ज्यादा वोट से कल्पना सोरेन को जीत मिली है। हम लगातार ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पैनल के हमारे साथ कुछ गेस्ट भी बने हुए, लेकिन इसके पहले हम बात करें पहले जिस तरीके से देखिए गांडे उपचुनाव के जो फैसले हैं वो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन जो है वो अपने पति के विरासत को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही थी और काफी उन्होंने जो जन सभाएं की, लोगों के पास जाना, जनता के बीच जाना और कहीं ना कहीं उनकी बढ़त जो है वो होती दिखाई। अभी औपचारिक हालांकि वो जो घोषणा है वो नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जीत मानी जा रही है। कैसे देखेंगे इसे? देखिए कल्पना सोरेन तो जीत ही रही है, इंडिया का गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में उद्योग लगाया जाएगा, फैक्ट्री लगाया जाएगा और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को ऑफर दिया जाएगा, पूरे देश में फैक्ट्री भी लगाया जाएगा और युवा व्यक्ति को नौकरी मिलेगा और सब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन से खुश रहेगी। मैं वादा करता हूँ इस न्यूज टीवी 45 के चैनल के माध्यम से। जी आप खुश हो जाइए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए राजू जी, खुशी की खबर आई है। देखिए आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे जब हमारे एडिटर इन चीफ मधुआ जी आने के रुके, एक ब्रेकिंग आ रही है। बिल्कुल ब्रेकिंग जो है इस वक्त हमारे पास आई है, इलेक्शन ब्रेकिंग की चुनाव नतीजों के बीच चिराग पासवान का ट्वीट नजर आया।